नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हो देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज होगी केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक, शामिल होंगे कई बड़े नेता। भारत में ट्विटर की बड़ी मुश्किलें, ट्विटर के एमडी को लिखी गई चिट्ठी। चौबीस घंटे में कोरोना के 45,951 मामले आए सामने। गर्मी से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, छाए रहेगी धूप। मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को करें स्पष्ट। उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। आगरा में पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिक कौशल रावत की पत्नी ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, शहीद की पत्नी ममता रावत ने कहा है कि वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शहीद की प्रतिमा के अनावरण का भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। शहीद के नाम पर शिक्षकों का काटा गया पैसा शिक्षकों को वापस किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बीते 24 जून को शहीद की पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में ममता रावत ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। दरअसल पुलवामा हमले में कौशल रावत शहीद हो गए थे, जिसके बाद शहीद के परिवार को सरकार और अन्य विभागों से आर्थिक मदद की घोषणा की गई। सरकार से मिलने वाली मदद जैसे तैसे शहीद के परिवार को मिली, तो वही शहीद कौशल कुमार रावत के परिजनों के लिए आगरा के शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों ने भी अपने वेतन से एक एक हजार रुपए देने की घोषणा की। घोषणा के बाद ही 1,000 रुपए की राशि शहीद के परिवार के लिए जमा हुई है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने शिक्षक संस्थानों से जमा हुई आर्थिक मदद की 65 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में सितंबर 2019 को जमा कर दिया। तब से आज तक शहीद की पत्नी ममता रावत अधिकारियों व मुख्यमंत्री कार्यालयों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक उनके परिवार को मिलने वाली ये राशि नहीं मिल पाई है। मैं शहीद कौशल कुमार की पत्नी हूँ। उस दिन आपने जो वीडियो वायरल किया था, उसका कोई सुनवाई नहीं आपकी? सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने 24 तारीख को वीडियो वायरल किया था और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही मेरे पास कोई खबर आई है। और जो मेरे पति के नाम से शिक्षा विभाग का जो पैसा काटा गया है, जो आज वो मुख्यमंत्री रात को जो पहुँचा दिया गया है, उस पैसे को वापस ला के नहीं वापस किया जाए, नहीं तो वो पैसा मुझे दिया जाए। क्योंकि मेरे पति की शहादत की मजाक बना दी सरकार ने, और मेरे पति की पैसा कट के नहीं, शिक्षा विभाग वालों का मेरे पति की बेइज्जती हो गई है। क्योंकि उनको तो ये पता है कि वो पैसा शहीद के परिवार को मिल चुका है, लेकिन वो पैसा मुझे नहीं मिला है। शिक्षा विभाग वालों की नज़रों में भी यही पता है कि हमने तो एक एक दिन का पैसा कटवा के शहीद के परिवार को दे दिया। मूर्ति का अनावरण के लिए बात नहीं किसी से? मूर्ति के अनावरण के लिए मुख्यमंत्री केशव मौर्या जी थे, हमारा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। बोल कोरोना के दौर में वो नहीं आएंगे। एक शहीद की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, और रैली करने के लिए चुनावों के वोटों के लिए, और बंगाल पश्चिम बंगाल और कहीं भी घुमा लो, वहाँ कोरोना नहीं है। एक शहीद की मूर्ति के लिए कोरोना है उनके पास। ना मेरे पति की रोड का नाम हुआ, ना मेरे पति का द्वार बना, ना मेरे पति के नाम से स्कूल का नाम हुआ, ना मेरे पति के लिए कहीं उन्होंने ज़मीन दी मुझे। अभी क्या क्या वादे किए थे उस टाइम सब वादे किए थे कि हाँ होगा सारा काम, लेकिन 2.5 साल हो गई, अभी कोई वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, वादे किए थे पूरे नहीं होंगे? अगर पूरे नहीं होंगे तो मैं 1 तारीख से शहीद की मूर्ति के पास और धरने पर बैठूंगी, और फिर देखती हूँ क्या होता है। सरकार चाहे कुछ भी करे, मैं उठूँगी नहीं वहाँ से। क्या मांग रही हैं आपको बैठकर? मेरी मांग यही है कि बस मुझे वो पैसा मिले, मेरे शहीद के मूर्ति का उद्घाटन हो, जमीन का हो, और स्कूल का नाम हो, और द्वार बने मेरे पति के नाम से, जो घोषणा की थी पूरी की जाए, जितनी घोषणा की थी उन्होंने, जो मेरे पास पूरा सबूत भी है, सबूत के साथ बोल रही हूँ, मैं बिना सबूत के नहीं बोल रही हूँ। ममता जुड़ चुकी है। ममता, मैं आपसे आने चाहूंगी, शहीद की पत्नी जो है वो लगातार ये शिक्षा विभाग के द्वारा की गई मदद को लेकर, वो लगातार इसको लेकर सामने भी आई हैं और अपना पक्ष रखती रही हैं कि अभी तक फिलहाल
क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ कागजातों में कमी है जिसके चलते ये पैसा नहीं मिल पा रहा है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने भी आवाज उठाई थी, उसके बाद बीजेपी की नेत्री अनीता अग्रवाल ने भी कहा था कि पूर्ण मदद की जाएगी, लेकिन अभी तक क्या इनकी मदद नहीं हो पाई है? जी कीर्ति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जब से 24 जून को ये वीडियो इन्होंने वायरल किया था, जिस वीडियो को लेकर प्राइम टीवी की टीम लगातार इस मुहिम को उनका साथ दे रही है, बराबर उनका सहयोग कर रही है शहीद की पत्नी का, लेकिन अब तक तब से लेकर 24 तारीख से लेकर अब तक 7 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई भी इनकी कोई संतुष्टिजनक इनके पास कोई जवाब नहीं आया है, जिसको लेकर आज इन्होंने एक वीडियो फिर वायरल किया है और इसमें प्राइम टीवी की टीम ने बात भी की है और जिसके तहत इन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिस बयान में इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब तक हमारे पास पिछले मैंने वीडियो वायरल की हुई, मुझे 7 दिन बीत चुके हैं, जिसके बाद में अब तक कोई ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मुझसे मिलने आया है, ना कोई राजनेता, ना कोई ममता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलवामा हमले में शहीद की पत्नी लगातार दर दर भटक रही है और गुहार लगा रही है कि जो राशि शिक्षा विभाग द्वारा उनके राहत कोष में डाली गई है, सीएम राहत कोष में, वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई जिसे तुरंत दिया जाए। वहीं आगरा के दक्षिणी बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अस्पतालों को सील कर दिया है। दरअसल गोरई गांव में काफी लंबे समय से झोलाछाप हॉस्पिटल का बोलवाला था। स्थानीय निवासियों के द्वारा काफी बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आया, तो आरएलडी के जिला पंचायत सदस्य सुलेखा चौधरी का हॉस्पिटल अमित नर्सिंग होम को प्रशासन के द्वारा सीज कर दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने हॉस्पिटल संबंधित प्रपत्रों का हवाला देकर अन्य 2 हॉस्पिटल को भी सीज कर दिया है। बताया जाता है कि आरएलडी की सुलेखा चौधरी चुनावों को लेकर बाहर गई हुई थी, जिसको लेकर सत्ता के दबाव में कार्रवाई का आरोप लगा है। मैनपुरी जनपद के भोजपुरा निवासी रामचंद्र शर्मा की एक अलग और अनोखी प्रतिभा देखने को मिली है। रामचंद्र शर्मा ने खुद हारमोनियम बनाकर उसमें कैशियो फिट कर दिया और अब इस वाद्य यंत्र से 199 प्रकार की आवाज आती है। रामचंद्र शर्मा ने बताया कि भारत में ये पहला मामला है कि हारमोनियम में कैशियो 2-in-1 है, जिससे कैशियो का खर्चा बचता है। इसको बनाने में 13,000 रुपए का लागत आई है। रामचंद्र शर्मा ने भारत में से मदद मांगी है और उनका आगे का प्लान है कि वो वाद्य यंत्रों के अनेक प्रकार के आविष्कार करना चाहते हैं। मैनपुरी पुलिस को सफलता लगी है, जहां हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल करहल थाना क्षेत्र के मंडापुर में बीती 25 जून को पट्टे की जमीन को लेकर 3 भाइयों में आपसी विवाद था। इस समस्या को लेकर 3 भाई वर्तमान प्रधान के पास गए थे, जिसके बाद वर्तमान प्रधान ने तीनों को आपस में बातचीत कर बंटवारा करने को कहा था। इस बात पर तीनों राजी भी हो गए थे, किंतु पूर्व प्रधान राजेश पांडे को ये बात रास नहीं आई और उसने वर्तमान प्रधान को जाति सूचक गाली दी और अपनी लाइसेंसी पिस्टल से प्रधान के भतीजे महेश चंद्र को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। वहीं मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने कुशल निर्देशन और उसको और उसके साथी संजीव कुमार पुत्र सुरेश चंद्र को बुजिया के पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निशानदेही पर सफाई बाईपास के पास से उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल अभी भी 2 अभियुक्त फरार हैं। मैनपुरी में पुलिस और एसटीएम की टीम लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है, जल्द ही आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की सूचना आ रही थी कि नारकोटिक्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, इसी संदर्भ में फिर एसटीएफ की मदद ली गई। एसटीएफ मेरठ की टीम और प्लस
कोतवाली की संयुक्त टीम के द्वारा आज ऑपरेशन अंजाम दिया गया और जो मेन सप्लायर विपिन जो है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है उसको एक ट्रक जैसा अभी आप देखे हैं ट्रक पर उस पर 3 कुंतल से ऊपर गांजा जो सहारनपुर के जनक नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस में एक युवक का 5 दिन पुराना शव मिला। शव की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक मनोज नशेड़ी प्रवृत्ति का युवक था। वो कई बार थाना जानकीपुरम से जेल भी जा चुका है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट आने पर पता चल पाएगा कि युवक की मौत नशे की अधिकता से हुई है या उसके साथ कोई और घटना घटी। शाहजहांपुर में पुलिस व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली खाद और नकली कीटनाशक दवाइयों की फैक्ट्री पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 30 ब्रांडेड कंपनियों की कीटनाशक दवाएं, नकली खाद, केमिकल और कई उपकरण भी बरामद किए हैं। हालांकि संयुक्त टीम की छापेमारी में 2 गोदाम में भारी मात्रा में कीटनाशक दवाएं और नकली यूरिया मिली है और इस फैक्ट्री का मालिक अभी फरार है। फिलहाल पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है जिसके बाद ही उससे पूछताछ में पता लग पाएगा कि इस नकली कीटनाशक और नकली खाद को वो कहां कहां सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सहारनपुर के कुतुब शेर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग का शव मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना कुतुब शेर में अभी अभी मोहल्ला मच्छरियान में एक कबाड़ी की दुकान है और आज उसने कई दिन बाद करीब 5 दिन बाद दुकान को खोला है। 25 तारीख से दुकान बंद थी और दुकान जब खोला तो उसमें उसको एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी की पहचान हो गई है, वो मंडी क्षेत्र का रहने वाला है, मोहम्मद अकरम, 60 साल उम्र है। मंडी में इसका इसके घर वालों ने इसका एक गुमशुदगी भी 25 तारीख को लिखवाया था और तब से गायब था। डेड बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। जिस दुकान पर मिली उसके मालिकान का कहना है कि वो 25 तारीख से दुकान बंद थे, हो सकता है ये दुकान में किसी कारणवश छूट गया हो और उसी में इसकी मृत्यु हो गई हो। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ही सोनभद्र में जिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह की एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई जहां डीएम मगुराही गांव के खेतों में धान की रोपाई करते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखने के बाद सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि डीएम अभिषेक सिंह ने धान रोप कर न केवल किसान और किसानी का बल्कि श्रमिक का भी सम्मान बढ़ाया है। कहीं ना कहीं जिला अधिकारी की पृष्ठभूमि किसानी से अवश्य जुड़ी हुई है जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बता दें कि धान की रोपाई करते समय जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के साथ जिला कृषि अधिकारी और नायब तहसीलदार के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।